राज ग्रुप ऑफ कंपनी के मालिक राजकुमार कटारिया, जो कि अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजे हैं, उनकी आत्मिक शांति हेतु रस्म क्रिया श्री देवी तला मंदिर स्थित श्री राम हाल जालंधर में संपन्न हुई। इस मौके पर पंडितों ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय राजकुमार कटारिया की आत्मिक शांति हेतु अरदास की। इस मौके पर श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, कोषाध्यक्ष भूपेंद्र बहल, पूर्व विधायक रजिंदर बेरी, पूर्व सीपीएस केडी भंडारी, भाजपा देहात की प्रधान अमरजीत सिंह अमरी, चौधरी राम कुमार, रमन शर्मा, अमित सहगल, अजय लाली, पारिवारिक सदस्यों में पत्नी प्रेम कटारिया, गौरव कटारिया, अंकित कटारिया, श्रुति कटारिया, चीना कटारिया, पूजा लूथर, संदीप लूथर, रोशनलाल कटारिया, आशा रानी, सुनीता कटारिया, सतपाल कटारिया, किरण कटारिया, सुदेश बजाज सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय राजकुमार कटारिया को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने एकत्रित हुए। मैं अपने भावों के माध्यम से और आप अपने भावों के माध्यम से उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आइए मिलकर ये प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, इस परिवार को शक्ति देना। ये जो कमी एक सदस्य के चले जाने से इस परिवार को हुई है, जो क्षति हुई है, वो पूरी नहीं हो सकती, ये जानते हैं सब। पर सभी मिलकर इस दुख को सहन करने में जो हिम्मत चाहिए उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें, परिवार को वो हिम्मत दे। एक पिता की कमी को जीवन में कोई पूरा नहीं है। एक पिता वो छत है कि जब तक सर पे होती कोई दुख दर्द तकलीफ बच्चों तक आने नहीं देगा। जैसे ही पिता के नाम की छत सर से हट जाए, समाज में एवं आपके घर में आपके अपने परायों की पहचान हो जाती है। माँ बाप वो कृपा है भगवान की, जो भगवान ने आपको इस सृष्टि में जीने के लिए दी। सब कुछ आपको वहीं सिखाते हैं, चलना, बोलना, खाना पीना सब कुछ। भगवान से कम तो नहीं है, तो इनके जाने का एहसास भी कम नहीं है।
और पिता के प्रेम जैसे उसकी हिम्मत जो वो हर समय आपको देते हैं, पिता की डांट में भी प्यार होता है, समझने की बात। ईश्वर ने इन दोनों को अपने ही स्वरूप के रूप में आपको दिया, पर हम क्या करते हैं, कहीं बाहर हो, किसी दोस्त का फोन आ जाए झट से उठाए, वहीं अगर माँ या पिता का फोन आ जाए या तो उल्टा कर देंगे या जेब में रख लेंगे, इनसे तो बाद में बात कर लेंगे, कोई बात नहीं। क्यों भी क्यों बाद में बात कर लोगे, आपको स्वास्थ्य का पता है अगला आएगा या नहीं। इसीलिए प्रार्थना है कि अपने माँ बाप का दिल कभी ना दुखाए, तीर्थ यात्रा की हुई देखा चली जाएगी अगर घर पे बैठे हुए माँ बाप को, वो भूखे बैठे हो, उन्हें पानी पीने को नहीं आ रहा, गंगा स्नान को जा रहे हैं, किसी चीज का कोई फल नहीं मिलेगा। माता पिता दिन न दुखा हक ना खानी। ये केसर से पिता का खुश चुका जा तन लागे भई जाने क्या जाने पीर पर आई, कोई जान नहीं सकता उसको एहसास नहीं कर सकता, लेकिन खान लाभ जीवन मरण यस वक यस विधात छह चीजें भगवान ने अपने हाथ में रखी है। इसलिए भगवान कहते हैं गरुण, मैंने इस प्रकार गरुण पुराण के माध्यम से सभी कर्तव्य बता दिए हैं, फिर भी जो पुत्र 10 दिन में गरुण पुराण सुनता है पितृ कार्य को करता है असल में वही पुत्र कहलाने के योग्य। गगन कटारिया जी अंकित कटारिया जी ने बड़ी श्रद्धा और बड़ी भक्ति के साथ में गरुण पुराण का 1 हफ्ते से पाठ घर में करा रहे थे,
भगवान कहते हैं जो पुत्र पिता के या माता के निमित्त गरुण पुराण सुनता है वो इस लोक में और परलोक में दोनों में ही सुख और मुक्ति पाने वाला होता है। जो जीव पितृकार को नहीं करते हैं उनके हाथ से तो जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। देवता भी उनके घर को नहीं देखते और पितृ भी उनके घर को नहीं देखते। इस प्रकार से सब प्रकार यत्न करके प्रेम कार्य को जरूर करना चाहिए। गरुण प्राण सुनने से ब्राह्मण विद्या को क्षत्रिय वैश्य और शूद्र आदि अन्य सब वर्णों में इस पुण्यदायक प्रेम कल्प को जो सुनता है उसकी सदगति प्राप्ति होती है। माता पिता भी मुक्त हो जाते हैं। माता पिता के पढ़ने पर जो पुत्र गरुण प्राण सुन लेता है और उसकी माता की या पिता की मुक्ति मत हो जाती है। इस प्रकार से सभी यत्न करके गरुण पुण्यदायक फलदायक बड़ा ही है, इसको अवश्य सुनना चाहिए, जिसके सुनने से जीव की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। साडे बहुत ही सत्कार जो राजकुमार कटारिया साहब की अंतिम अरदास दे विच कत्तर होए हैं। मौत इस जीवन का अटल सच है। जो भी प्राणी संसार जाता उन्हें एक ना एक दिन जाना ही है। बाणी का फरमान है मरण लिखाए मंडल में आए। इंसान की किन्नी आयु होएगी, इंसान ने की कर्म करना है, इंसान का की भाग्य होएगा, ये सारिया चीज़ा जन्म तो पहले निश्चित होंगिया। लेकिन कुछ इंसान अपने कर्मा राही अपने सुभा राही या अपनी औलाद राही ये छापा छट जाते हैं, जिड़े कि भलाई नहीं भूलिया। साढ़े बच्चों एक बहुत ही नेक कर्मयोगी और धार्मिक इंसान राजकुमार जी चले गए हैं, लेकिन उन्होंने किए काम सानू हमेशा याद लाएंगे।